देखो बेटा, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है बचे हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25 हम वो कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसे करने के लिए कि वहां से जो बी है वो इस ए के साथ ला रहे हैं, राइट साइड का बी ए के साथ ला रहे हैं, और बी के साथ राइट साइड का हम लेके आएंगे ए, बी एक्स माइनस वन इसके साथ लेके आएंगे ए, तो इक्वल टू 0 हो जाएगी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अंदर ही अंदर एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम अंदर अंदर एलसीएम लेंगे तो ये ए माइनस बी ए एक्स माइनस वन, तो हमने ए एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस ए बी एक्स माइनस वन अपॉन में बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक। तो अब देखो भाई, जब मैं इस ब्रैकेट को बच्चों करूंगा सॉल्व तो मुझे देगा ए माइनस ए बी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी अपॉन में ए एक्स माइनस वन। ऐसे पीछे वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करूंगा तो बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए अपॉन में ए एक्स माइनस वन। अब हम थोड़ा सा इसको देखो क्या कर रहे हैं, रिअरेंज कर लें ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इस ब्रैकेट में अपॉन में ए एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, कॉमन ही मतलब देखो कॉमन तो में अब दिखेगा। अगले वाले ब्रैकेट में भी देखो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, आई होप सभी को ये चीजें दिख रही हैं। अब दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स दोनों में ही कॉमन है, हम दोनों में ही उसको उठा के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर दिख रहा है आपको जो ऊपर न्यूमरेटर है दोनों में, वो तो दोनों में कॉमन है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, पर यहाँ क्या बच जाएगा, देखो ऊपर अपनी जगह वन छोड़ के जाएगा और नीचे उसने छोड़ा है ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन छोड़ा है नीचे इसने, तो नीचे बेटा इसने छोड़ा है ए एक्स माइनस वन और दूसरे वाले में से वन अपॉन, ठीक है। और यहाँ पे बी एक्स माइनस वन होना था, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, देखो यहाँ पे हमारा बी एक्स माइनस वन रहेगा, बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो इसको अंदर ही अंदर अब बड़े वाले ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर से लास्ट टाइम एलसीएम लेने वाले हैं। तो ये गाइस ही हो जाएगा बी एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा ए एक्स माइनस वन, और नीचे आ जाएगा बच्चों ये ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो देखो ऊपर के दो बड़े वाले ब्रैकेट्स वो पूरा बता रहा हूँ ये पूरा, और बचा हुआ वो स्क्वायर ब्रैकेट पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है और नीचे वाला डिवाइड में। तो नीचे वाला ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगी, वो जा सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई में नीचे वाला पूरा डिवाइड में है, तो यहाँ से उठ के सीधे सीधे वहां जा सकते हैं। बीच में अगर देखो इस जगह पे अगर प्लस या माइनस होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आप सीधे उसको भेज सकते हैं, तो ये उधर जाएगा और 0 हो जाएगा। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो 0 हो गया। देखो बच्चों ए प्लस ए माइनस
देखो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और ये बन जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू, क्योंकि माइनस वन माइनस टू जाएगा। तो समझिए a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और x कॉमन ले सकते हैं उसमें, ये बचेगा बच्चों a प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर की फॉर्म में आ चुका, तो एक बार जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किए पहले वो वाला, फिर उसके अगले वाला, दोनों के नीचे नीचे अंडरलाइन किए, वो इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है, उनको इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे। तो एक बार a प्लस माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो बच्चों, और एक बार a प्लस बी होल एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टू अपॉन ए प्लस बी। ऐसे यहां से देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, तो a प्लस बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू एक्स, ऐसी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था शायद, बट स्टिल ये फिर बीच में रह गया था, तो मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इसको सॉल्व करो x के लिए, सॉल्व फॉर x। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो x प्लस टू प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर। तो देखो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी के हिसाब से थ्री एक्स प्लस इक्वल टू फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब देखो बच्चों ऊपर वाले ऐडो के थ्री एक्स प्लस फोर आ जाएंगे ना, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन एक्स प्लस फोर। अब हम एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो बेटा लास्ट टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो 3x into x 3x square, फिर इसी 3x से 4x को करेंगे 12x, फिर अब जो प्लस 4 था 3x के पीछे उससे x 4x हो जाएगा, फिर उसी 4 से 4। क्या करते हैं हम पहले वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर को 1 बाई 1 पीछे वाले ब्रैकेट के सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये 5x पर 15x प्लस 10, ठीक है, प्लस 10। तो देखो गाइस यहां पे बेटा ये 3x पर प्लस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर 15x प्लस 10। ये सारी चीजें राइट साइड में चली जाएंगी, 5x स्क्वायर बड़ा है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और 15x में से माइनस का 16x आएगा, और 10 में से माइनस 16 आएगा इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम करेंगे मिडिल टर्म, तो 2 6 जा 12 होता है ना, और 4 माइनस 3 1, और 4 3 जा 12, सही फैक्टर आ रहे हैं बस। तो 2x पर 4 माइनस 3 तो 2x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस टू बचेगा बेटा, ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो इसमें भी x माइनस टू बराबर 0।
x माइनस टू फिर से कॉमन ले लिया, ठीक। तो देखो बाल को क्या आ रहा है हमारा, एक बार x माइनस टू इक्वल टू जीरो बच्चों, और एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक बार x की वैल्यू 2 आएगी पॉजिटिव की, और एक बार x की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 आएगी। ऐसे क्वेश्चंस में हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई रियल टाइम क्वेश्चंस नहीं है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो x की दोनों वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। अब हमारा ये देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो लाल लाल। तो देखो बेटा अब इसको भी x के लिए सॉल्व करना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा। देखो उसने लिखा है 2x अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही तो होता है 2x इनटू 2x अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, प्लस 10x अपॉन में x माइनस 5 माइनस 24 को उधर ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि अकेला पड़ जाए, ठीक। तो ये तो 4x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो मैं तुम्हें समझाऊं कि x माइनस 5 के होल स्क्वायर की का मतलब क्या होता है। तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, x माइनस 5 इनटू x माइनस 5 दो बार लिखना। तो देख रहे इस वाले के साथ तो दो बार लिखा है लेकिन 10x के साथ एक ही बार है, तो एलसीएम लेने के लिए एक बार और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही बात, यहाँ 10x इसके साथ एक ही बार है ना, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए ना, इक्वल टू 24। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 50x और नीचे वाले को हम x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं equal to 24। ये जो denominator है वो 24 की तरफ चला जाएगा हमारा। इधर 14x square minus 50x आ रहा है बेटा, ठीक है? 14x square minus 50x आ रहा है हमारा ये। दो मिनट रुकना बच्चों, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुको, स्क्रीन हैंग हो गई है, पॉज भी नहीं हो रही। तो देखो 14x स्क्वायर माइनस 50x और 24x माइनस 5 का बेटा होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 14x स्क्वायर 50x और इधर देखो 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो 14x स्क्वायर माइनस 50x 24x स्क्वायर माइनस 240x प्लस 600। अब सारी चीजें जो है अपनी साइड चेंज कर लेंगे, दूसरी तरफ चली जाएंगी। देखो तो क्या होगा, 14x स्क्वायर को 24 की तरफ लेके जाएंगे माइनस, 50x को लेके जाएंगे प्लस, माइनस का ना उधर जाके प्लस, ठीक है। तो यहां देखो बेटा ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 190x आ जाएगा प्लस 600 इक्वल टू जीरो। सारे में से 10 कॉमन ले लो तो एक एक जीरो कम हो जाएगा ना, क्योंकि 10 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड मार देंगे
तो ये बन जाएगा बेटा हमारा देखो x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 16। अब हम करेंगे मिडिल टर्म, तो देखो 15 प्लस 4 आता है 19 और 15 4 जा 60 आता है, तो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4x प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 15, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 15 दो बार कॉमन आ रहा है, एक बार और कॉमन ले लो, और इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक एक करके हम लोग यूं करेंगे, कॉमन लेंगे मतलब इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एक बार बच्चों हमारे x की वैल्यू 15 आ जाएगी और एक बार हमारे x की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन 28 कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस p, ठीक है, इनटू p प्लस 1। सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगी, जो दी हुई है ना इक्वेशन इसको सही तरीके से लिख लेता हूं। तो जब सही तरीके से लिखेंगे बेटा x स्क्वायर माइनस x माइनस p स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 0 यही बनेगी। अब देखो यहाँ करना क्या है, देखो यहाँ ना x स्क्वायर और p स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं और माइनस x माइनस p को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा जो x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है उसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं x प्लस p x माइनस p, इसको लिख सकते हैं x प्लस p x माइनस p लिख सकते हैं ना, और इस दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लो, तो ये लिखा जा सकता है x प्लस p इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखने के पीछे आइडेंटिटी है a प्लस b a माइनस b, ठीक है। अब दोनों में x प्लस p कॉमन है, आप एक बार उठा लीजिए कॉमन तो x प्लस p, और अब जो बचा वो एक ब्रैकेट में पुट कर दो x माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार बेटा x प्लस p इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू माइनस p आएगी गाइस, ठीक है, और एक बार आपके x की वैल्यू जो है वो p प्लस 1 आएगी। आंसर सिंपल शॉर्ट, ठीक है। चलो तो कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ, मतलब बेसिकली आपको इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या है, करना क्या है? देखो चाहो तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दो, और अगर आपसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे के अलावा आपको लग रहा है आप मिडिल टर्म कर सकते हो, देखो इसकी मिडिल टर्म पॉसिबल है, बताओ कैसे। 2√3 और लास्ट का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3√3 6 आ जाएगा, 2 3 6, बीच में 5 लाना है, बीच में क्या लाना है, मिडिल टर्म 5 है, तो 2 प्लस 3 5 और 2 3 जा 6 बस हो गया। तो देखो भाई तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, मैं बता देता हूं, देखो 2√3 × √3 अगर बीच में, देखो बीच में रूट होता तो शायद हमसे सॉल्व नहीं होता मिडिल टर्म से, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन ऐसे तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 2 × 3 = 6, 5 लाना है तो 2 + 3 और 6 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 2 × 3 = 6 बस हो गया। कर दो इनको स्प्लिट, देखो 2 + 3x + √3 = 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो 2√3x² - 2x - 3x + √3 = 0, तो यहाँ से कॉमन लिया 2x है ना, तो बचेगा क्या बच्चों, √3x - 1, पीछे से कॉमन लिया -√3, यहाँ से भी बचेगा √3, क्योंकि देखो 3x में से अगर √3 कॉमन निकाल लो तो एक √3 और बचता ना,
क्योंकि थ्री कैसे बनता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री से, तो एक रूट थ्री अगर आप कॉमन ले लेते हो तो एक रूट थ्री अभी भी बच रहा है ना, माइनस वन इक्वल टू जीरो। साइन इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि बार माइनस रूट थ्री कॉमन लिया गया, और जब भी आप बार माइनस कॉमन लेते हो यू हैव टू चेंज योर साइन। तो गाइस देखिए नेक्स्ट, रूट थ्री एक्स माइनस वन फिर से कॉमन आ रहा है, और अगले ब्रैकेट में आ रहा है टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसको इक्वल टू जीरो, और एक बार इसको इक्वल टू जीरो। तो एक बार रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू बेटा वन बाई रूट थ्री। ऐसे क्वेश्चंस को रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ से देखें तो टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, तो एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है। बस ये दो लाइन में खत्म हो गया आपका। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ एनी, यस इट्स देयर। तो देखो बेटा, सुनो, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ भी देखिए बेटा, क्या कह रहा है कि माइनस फाइव इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो कह रहा है माइनस फाइव जो है यानी रूट है, यानी ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की उस इक्वेशन के लिए जो पहली इक्वेशन देखिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। करेक्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू जीरो है, और इसकी एक रूट यानी एक्स की एक वैल्यू माइनस फाइव है, और कह रहा है कि ये एक इक्वेशन आपकी गाइस ये है, और कह रहा है इस इक्वेशन के लिए जो सेकंड इक्वेशन है एज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू माइनस फाइव है ना, वो हम अपनी इक्वेशन वन में डालेंगे, ये वाली इक्वेशन वन थी। तो देखो गाइस, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 5 माइनस 15 इक्वल टू जीरो बेटा, तो 2 इंटू 25 माइनस 5 p माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। तो 2 इंटू 25 50 में से माइनस 15 किया 35 माइनस 5 इक्वल टू जीरो, माइनस 5 पी उधर चला जाएगा बच्चों, तो 35 इज इक्वल टू 5 पी, तो पी की वैल्यू आई बच्चों 7। अभी जो पी की वैल्यू 7 आई है वो पुट कर लो आके इक्वेशन 2 में। तो देखो 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, अब इसको हम खोल देंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू जीरो। अब कह रहा है इक्वल रूट है इसके, इसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, इक्वल। तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है, तो b हमारा 7 स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 7 इंटू k बराबर शून्य, 49 28 k इक्वल टू शून्य, 49 इज इक्वल टू 28 k, k की वैल्यू बताएगी 49/28, इसको अगेन 7 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग 7/4 एज द वैल्यू ऑफ k, हमारे k की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो तो कह रहा है ये एक इक्वेशन है, सुंदर सी दिख रही है आपको, इसके रूट्स इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है। तो देखिए भाई मेरे, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, सिक्वेंसली इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस ए x प्लस बी वाली, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस कंसीडर करके चलेंगे, आइडेंटिटी वही रहेगी। तो देखो सबसे पहले तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता था प्लस ए प्लस बी एक्स होता था ना, लेकिन यहाँ a नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, तो प्यार से ब्रैकेट में माइनस a माइनस b, फिर इसे x के साथ मल्टीप्लाई करते थे फिर a और b को आपस में, तो माइनस a और माइनस b को मल्टीप्लाई करोगे प्लस का a भी आ जाएगा। ठीक, ये आपकी पहली ब्रैकेट सॉल्व। अब ऐसे ही x माइनस b और x माइनस c को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा x स्क्वायर माइनस b माइनस c x प्लस बी सी, फिर नेक्स्ट
एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी। अभी छोटा वाला छुटका जो ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छुटका ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, तो अब देखो अब बड़ा एकदम होल बड़ा ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पे कुल मिलाकर भी है थ्री एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हमारे पास तीन, और तीनों प्लस में तो तीनों प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएंगे आपके थ्री एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो बेटा एक माइनस का ए एक्स इधर है और एक इधर है, तो माइनस माइनस करना तो पड़ेगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस टू ए एक्स ऐसे ही माइनस टू बी एक्स, बी एक्स भी दो होंगे एक पहले ब्रैकेट में एक दूसरे ब्रैकेट में, फिर माइनस टू सी एक्स, है ना। अब बच क्या रहा, अब बच रहा है वो प्लस वाले ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो देखो तब करना क्या है बच्चों में, यहां पे ये देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी और साथ में एक्स कॉमन ले लिया। देखो ना दोनों में तीनों में पहली तीन टर्म दिख रही है आपको, थ्री एक्स स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट तीन टर्म्स हैं उसमें से माइनस टू एक्स कॉमन है ले लिया, माइनस टू पहले ले लिया, एक्स बिल्कुल लास्ट में रख दिया, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आई। अब कह रहा है इसकी रूट्स इक्वल है, मतलब कि ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा पूरा कंप्लीट बी हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट गाइस सी, और फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो देखिए भैया बी स्क्वायर है माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखो माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा और ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और ये फोर इंटू थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर देंगे और बराबर जीरो। सो गाइस देखो दोनों में फोर कॉमन है ना बच्चों, फोर कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद जीरो के साथ जाके उसे डिवाइड मार दो, खत्म, फोर तो खत्म। तो वी हैव लेफ्ट विद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी बी सी ए सी इक्वल टू जीरो। तो पहले वाले ब्रैकेट तो सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी होती है, तो पहले तो तीनों का किया जाता है स्क्वायर, फिर दो दो को टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। अब पीछे माइनस थ्री बी ब्रैकेट है, तो ये देखो माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखो टू ए बी में से थ्री ए बी चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये माइनस का ए बी, ऐसे 2bc में से 3bc जाएगा माइनस bc माइनस ac इक्वल टू जीरो। ये आ गया बेटा हमारा, ये मेरी इक्वेशन वन है। मेरे पास एक आइडेंटिटी याद करो जिसमें ये चीज आती हो, तो क्लास नाइन्थ की सबसे आखिरी वाली आइडेंटिटी देखिए, तो वी नो दैट क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी
है ना, यही है। और ये लास्ट वाले की वैल्यू देखो बच्चों, लास्ट वाले की वैल्यू, इस लास्ट वाले वैल्यू क्या की वैल्यू आपके पास है क्या, कहीं से ढूंढ के बताओ। तो इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम वन। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर ये आ रहा है। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो ही आता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो, माइनस का थ्री ए बी सी दूसरी साइड चला जाएगा, बाजी पलट जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आके प्रूव हो जाता है से क्यू ई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।